बागेश्वर सरकार कहाँ आ रहा है, वहाँ जाने की रास्ता बताइए, हम लोग जाने के लिए बहुत इच्छुक है। गुरु बागेश्वर महाराज कहाँ पे आ रहे, कब आ रहे? श्री नीलेंद्र शास्त्री कानपुर में कब और कहाँ? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि हमने कहा था हम अपना रास्ता दिखाएंगे आपको, तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं घंटाघर स्टेशन से। तो गाइस यहीं से आप लोग आएंगे, यहीं पे उतरेंगे, सारी ट्रेनें यहीं पे आती घंटाघर में ही, तो यहीं से आपको हर एक टेम्पो मिल जाएगा नौबस्ता तक जाने के लिए। आपको यहाँ से डायरेक्ट नौबस्ता पहुँचना पड़ेगा। और सबने हमसे कहा, मेरे मोहल्ले के लोगों ने, मेरे घर वालों ने, तो बागेश्वर धाम तो अपने कानपुर आ ही रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं कैसे कहाँ जाना है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उसका ब्लॉग। तो गाइस बने रहिएगा एंड तक, आपको देखने को मिलेगा हर एक डायरेक्शन और हर एक टेम्पो का किराया बताएंगे आज कितने रुपए लगेगा आपको वहाँ तक पहुँचने में, पूरा पूरा देखने का। ठीक है गाइस, बने रहिएगा एंड तक ब्लॉग के। तो बस, और भाई यहाँ के अगल बगल लोग हमको देख रहे हैं, बहुत शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों आज, क्योंकि पब्लिक को ब्लॉग बनाना भाई बहुत कठिन है, क्योंकि इतने वायरल हुए नहीं है, तो जान पहचान का मिल जाता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है गाइस, चलो तो चलते हैं, जल्दी से बताते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए, ये है यहाँ का बैठने का पूरी जगह, ये देखिए, तो वो लिफ्ट है पूरी वहाँ पे। तो भैया चलते हैं जल्दी से, दिखाते हैं आपको। ठीक है, बढ़िया यहाँ पे देखिए टेम्पो स्टैंड है यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ से आपको नौबस्ता तक जाना है, तो नौबस्ता का रास्ता पैसे पूछते हैं किसी से, टेम्पो वाले से कितने रुपए लगेंगे, आप नौबस्ता तक का किराया कितना लगता है? चलो ये नए टेम्पो वाले हैं, नौबस्ता तक का सवारी का किराया कितना लगता है? नहीं, अगर सवारी से ज्यादा कितना लगता है? 20 रुपए लगता है। ठीक है चाचा, बता दी 20 रुपए का लगता है, याद रखिए। आप पहले ना सुनो, 20 रुपये लगता तो है, अब तुम अकेले हो के कह दोगे चलो तो लगता बहुत देर तक है। अरे हमने क्या कहा, एक सवारी का अगर पूछा जाए तो एक सवारी का 20 रुपए किराया लगेगा। जैसे बाहर के जाएंगे तो सचैनी तरफ अगर जाना है बागेश्वर धाम, तो वहाँ का 80 रुपया किराया डायरेक्ट वहाँ धाम का। यहाँ से अगर वहाँ सचैनी रहे, सचैनी से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे है बागेश्वर बाबा जाओगे, वहाँ तक 80 रुपया भाड़ा लगेगा एक आदमी का। एक आदमी, हाँ, अगर यहाँ सीधे घंटा का, हाँ, यहाँ से डायरेक्ट। अच्छा, खाली एक तरफ का 80 रुपया। तो देखिए आपको छोटी जानकारी देना चाह रहे थी, तो बड़ी जानकारी आपको मिल गई। चलिए ठीक है, आपने बढ़िया किया बता के, हमें पता है क्या कर रहे हैं। थैंक यू, कोई आए भटके भटकने में ही, याद रखिए सब ऑटो वाले हैं, 80 रुपए लगना है आपको किराया सिर्फ, डायरेक्ट वहाँ भावपुर, जहाँ भावपुर में आ रहे हैं, जहाँ से बैरियर लगा होगा, जहाँ गलती होगी वहीं से घूम जाएगा, वो बैरियर बहुत पहले लग गया। भावपुर जो क्रॉसिंग है उसी को पार करके वहीं जाना है, मान लो भावपुर क्रॉसिंग से 2 किलोमीटर आना है। यहाँ से जाए दुई रोड है। कौन कौन से रोड है बता दीजिए? पत्ता हुई के विजयनगर हुई। अच्छा, विजयनगर से जा सकते हैं, वहाँ से कितना किराया लगेगा? विजयनगर से यू एम से 15-20 रुपया ले, विजयनगर से 20 रुपया ले, विजयनगर से 30 रुपया ले, तो सचेंडी के 30 रुपया, 30 रुपए सचेंडी के, विजयनगर के 20 रुपए, 50 हुई गए। मन करियो तो वहाँ से चाहिए 30 से 80, यहाँ से 80 वहाँ तक किराया दोनों तरफ से एक है, दोनों तरफ से एक ही किराया है। नहीं अब होते बोलना चाहेंगे? नहीं, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, अपनी वाली विरान दीजिए। अच्छा, नौबस्ता दूरी हो जाता है इसलिए किराया बढ़ भी सकता है, 10 रुपए, क्योंकि नौबस्ता सचेंडी का किराया 40 रुपए। लेकिन रोड सबसे बढ़िया बना है नौबस्ता वाला, अरे लेकिन उधर से लंबा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि रोड हमने देखा है, कल गए थे हम, रोड एकदम धम्म बन गया, एकदम रोड हाईवे। ऐसे जाएंगे आप, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, बस आपको पूरी बता दी, अब नौबस्ता चलते हैं। अरे तो गाइस देखिए कानपुर की पहचान, वाह कानपुर क्या हाल चाल, वाह है आपका अपना लाल। तो गाइस ये है नौबस्ता, याद रखिएगा ये नौबस्ता है, ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ तो सिर्फ 15 रुपए में बसंत पेट्रोल पंप पहुंचा दिया जाएगा, 15 रुपए में। ये देखिए सब ऑटो वाले खड़े हैं, सिर्फ 15 रुपए में बसंत पेट्रोल पंप पहुंचा दिया जाएगा आपको, ठीक है गाइस, बने रहिएगा एंड तक, और बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सुबह सुबह का समय है तो इतनी धूप है, और भाई अभी धूप बढ़ने के कारण अभी हम चलते हैं पहले घर, और फिर थोड़ा शर्ट पहन लेते हैं, चश्मा वश्मा लगा लेते हैं, ठीक है गाइस, फिर चलते हैं जल्दी से, बाल देखिए उड़ रहे हैं तो कैप भी ले लेंगे, समझ रहे हैं। आपको बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग ब्लॉग लगेगा आज का, क्योंकि हमारे जैसा हमको नहीं लगता कोई बताएगा आपको, और बताएगा तो भाई माफ करिएगा, फिर ज्यादा अपने अपनी तारीफ कर लियो,
गाइस ये देखिए कर रही चौराहा है ना, ये भी याद रखिएगा केडीएम में स्कूल का बोर्ड लगा है, वो देखिए सामने कर रही चौराहा। तो भाई जैसा कि हमने कहा था हरे रास्ते मिलाएंगे, तो अभी हम आए हैं यहाँ बसंत पेट्रोल पंप जो अपने घर के पास ही है, ठीक है। तो यहाँ से सजेली तक के लिए आपको ओमनी मिल जाएगी, जो इको गाड़ी होती है, इसका किराया सिर्फ 20 रुपये है, ठीक है। तो 20 रुपये है, ज़्यादा बड़ा है तो नहीं, काफ़ी दूर है, लेकिन सजेली और धूप है इसलिए हम गॉगल्स लगाए हैं। तो हम आज चल रहे हैं अपने गाँव, इसीलिए सोचा आपको दिखाएं जैसे कि पहले बता चुके हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए बसंत पेट्रोल पंप आपको दिखा देते हैं, ये देखिए गाइस ये है, सारी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ये बसंत पेट्रोल पंप है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे और टंकी पहले फुल कराते हैं तेल, और फिर सीधे आपको हर एक पॉइंट दिखाते रहेंगे, आपको समझ जाइएगा आप। तो छोटी सी जानकारी है, आपको मजा आएगी, हमको मजा आएगी आपको देने में। तो गाइस ये है बसंत पेट्रोल पंप से चलने के बाद पहला चौराहा, और ये है दूसरा चौराहा, बगल में सीएनजी की कंपनी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप ट्रक जा रहे हैं यहाँ से। और गाइस आप देख सकते हैं हम लोग PSIT पहुंच चुके हैं, यहाँ से कम 10 किलोमीटर हमारा गांव है, बने रहिएगा एंड तक, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अब हम लोग चक्रपुर पहुंच चुके हैं, इसको नवीन गल्ला मंडी के नाम से भी जाना जाता है, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये गोदाम हाउस है, ठीक है गाइस। आपको यहाँ फल की दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ से आप फल खरीद सकते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो भाई वॉइस ओवर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइक में कोई कमी आ गई है, और फिर से हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। वो देखिए सामने एक बोर्ड लगा है, आपको यहाँ से कट लेना पड़ेगा क्योंकि हमको उस तरफ उस हाईवे में चलना है, और नीचे एक पुलिया है, वहीं से हम लोगों को यू टर्न देना है। और सामने देखिए भाई एक ढाबे का बोर्ड लगा है, इसको आप याद रखिएगा। तो चलते हैं फटाक से और बिन देरी करे आपको पहुँचाते हैं जल्दी से वहाँ पर, ठीक है गाइस। आपको यहाँ से एक यू टर्न के लिए एक पुल मिलेगा, वहाँ से आपको मुड़ जाना है, उस तरफ चले जाना है, तभी आप जल्दी से जल्द पहुँच पाएंगे। अब हम लोग मुड़ चुके हैं, यहाँ की दुकानें आप याद कर दीजिए, ऐसे ही आपको जाना है, ठीक है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं सचिंडी थाना आ चुका है, यहीं से आपको टर्न लेना है, तो इसी के अंदर आप टर्न ले लीजिएगा। देखिए पीला कलर का थाना बना हुआ है, और ये टर्न हम लेते हैं यहाँ से, और आप याद रखिएगा सामने पीली बिल्डिंगें बनी हैं, इसको याद रखिएगा तो आप बहुत ही जल्दी बढ़िया से पहुँच सकेंगे। और यही देखिए रोड जा रहा है भावपुर के लिए, और आपको ये बताना भूल गए कि यहीं पे पहले बाबा जी आने थे, ये थाने के सामने जो पूरा खेत देख रहे हैं यहीं पहले बाबा जी आने थे, जैसा कि नहीं आ सके तो ये हमारे गांव में आ रहे हैं, इससे हमारे गांव के भाग्य खुल गए और हमारे गांव का विकास और ही बढ़िया ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है गाइस। सो गाइस जैसा कि हम लोग कटरा गांव पहुंच चुके हैं, यहां पे जितने आगे गांव आएंगे उसका आपको नाम बता देंगे, इससे आप रोड नहीं भूलेंगे, और वैसे भी आपको यहां पे सारे पोस्टर दिख जाएंगे तो आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो गाइस हम लोग पुलिस चौकी पहुंच चुके हैं, ये देखिए हम लोग पुल चढ़ रहे हैं, और यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बहुत बढ़िया रोड हो चुकी क्योंकि, और यहाँ की नहर देखी पूरी सूख चुकी है, और यही पूरा हमारा भावपुर के लिए रोड जा रहा है, ठीक है बने रहिएगा। देखिए कितना झम रोड हो चुका है, पहले ऐसा रोड नहीं था, अब बाबा जी के आने के कारण ऐसा रोड बना दिया गया है, ठीक है। हमने कहा था ना आपसे, बाबा जी के आने के कारण हमारे गांव का बहुत ही ज़्यादा विकास हो चुका है, इसीलिए हम बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो गाइस हम लोग भावपुर क्रॉसिंग पहुँच चुके हैं, और अब हमने क्रॉसिंग पार कर लिया, ये है हमारा पूरा भावपुर, देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर और दुकानें बहुत बढ़िया बनी हैं, यहाँ एक पूरे गाँव की शॉपिंग यहीं से होती है, इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल दिया हमने, ठीक है। ये देखिए थाना बना है भावपुर का यहाँ पे, और देखिए यहाँ की रोड भी बहुत बढ़िया हो चुकी है, और याद रखिए गाइस ये जो आया है देख लीजिए गेट, देख लीजिए गौर से, ये जो गेट आप देख रहे हैं सफ़ेद और हरा कलर का, देखिए रंजीतपुर के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। आपको इससे हमारे जैसे आपको कोई नहीं बता पाएगा, जैसे हमने बताया हर एक रोड, देखिए आप देख लीजिए अच्छे से रोड। तो ये देखिए दूसरा गेट ग्राम रंजीतपुर आपका स्वागत करता है, स्वागत हो गया अब हमारा, देखिए कितना बढ़िया रोड बन चुका है। और ये देखिए सरकारी स्कूल है यहाँ पे, स्कूल देखिए पीले कलर का बना है, देखिए स्कूल बना है, और देखिए पोस्टर भी लगा है बाबा जी का, ठीक है गाइस।
सो गाइज हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं और अपने मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर का स्कूल बना था और ये देखिए कितना बड़ा मंदिर बना है। आज है 22 तारीख, कल है 23 तारीख, कल संडे है, कल बाबा जी आ रहे हैं। किसी आप लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए हमने आज आपके लिए व्लॉग बनाया है। आप ज़रूर देखिए इसको और यहाँ पर पहुँच जाइए अगर आपको मिलना है बाबा जी से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। देखिए पूरे खेत कट चुके हैं, बाबा जी का पहले आने का प्लान था तो हमने धारा 144 के कारण बाबा जी का प्लान कैंसिल हो गया। और ये देखिए भाई मंदिर का गेट बना है, ये पहले का पोस्टर लगा है और ये मंदिर है भाई बहुत ही। देखिए कितना बड़ा मंदिर बना है हमारे गांव का, हमें लगता है ऐसा कहीं बना होगा मंदिर इतना बड़ा। और ये देखिए भाई, ये देखिए भाई तक तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे गांव की सीमा में पवन तन्या आश्रम का एक और गेट बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर गेट है ये। देखिए भेड़ चराई जा रही है, वाह भाई वाह। और भाई जैसा कि हमने पहले ही बताया था, देखिए हमारे गांव की नहर सूख चुकी है और देखिए बालू है यहाँ पे, देखिए गाइस। और ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल, उसके बगल में भैंसे चलाई जा रही है और सनसेट के देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए हमारे गांव की मेड़ कितनी प्यारी है। तो गाइस ये देखिए हमारे खेत में जाने के लिए पेड़ का पुल बना हुआ है, बढ़िया ऐसे जा सकते हैं हम लोग अपने खेत में। तो गाइस ये देखिए हमारे चाचा जी, इनके हम चरण स्पर्श पहले करते हैं और भाई इनको हम लोग प्यार से लाला बुलाते हैं पूरे गांव में और बहुत ही प्यारे हैं हमारे ये चाचा जी। देखिए अभी ये खेत काटने में जुटे हैं, इतना बड़ा हमारा खेत है। वो देखिए आगे का जो बाग है वहाँ तक हमारा खेत है। देखिए बीच में बकरियाँ भी चर रही हैं। तो गाइस जैसा कि आज हम आए अपने गांव में तो हमने अपने देखी खेती, क्योंकि हमको तो पहले पता नहीं था क्योंकि हम ज़्यादा गांव में आते नहीं हैं अपने बागेश्वर धाम की वजह से। हम आए गांव अपने और देखा, पहली बार तो अकेले आए हैं। और देखिए भाई कितना प्यारा और कितना बढ़िया नज़ारा है गांव का। और तो भाई देख सकते हैं ये हमारे जो आम के पेड़ हैं, कुछ अभी आम तो फरा रहे हैं, अभी आम नहीं आया है ना लाला। अच्छा देखो भाई कितने उखाड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के गेहूँ जो हैं वो कटते नहीं बनता, इसलिए उखाड़े जाते हैं। गिर गया है ना गेहूँ इसलिए कटते नहीं बनता है। तो भाई अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए भाई कैसे गेहूँ बात है। यहाँ की शुद्ध हवा बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे पीछे गन्ना है जो कि अभी बहुत छोटा है, अभी बड़ा था ख़त्म हो गया, पूरा खा डाला, जो थोड़ा बहुत निकला वो भैंसी चारा में चला गया। गाइस आपको शक्करकंदी की बेल कैसी होती है ये देखो भाई, शक्करकंदी की बेल ये दिख रही है, ये शक्करकंदी की बेल है। और ये लौकी का पेड़, कद्दू का सॉरी, हम जानते नहीं भी ज़्यादा इसलिए पता नहीं है, मैं दीदी लोग बता रही हूँ। तो भैया गन्ना है उग देते हैं, पेड़ है अपने सारे आम आम के इतने हैं। और वो पेड़ हैं कुछ वो जो लगे हैं वो वाले खेत है जितने वो कट रहे हैं अभी है ना। और ये वाला खेत अपना है ना पूरा वहाँ तक स्कूल तक, वो जितना स्कूल है वो अपना वहाँ तक खेत, वो फिर वो पेड़ अपने लगे हैं वो वाले। अच्छा किसका है वो? तो गाइस ये देख लीजिए हमारे उड़द मूंग हमारे खेत में बो दी गई है। तो ये देखिए छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, मूंग के पेड़ हैं ये देखिए। उड़द के हैं कि मूंग के हैं? उड़द मूंग दोनों के मिक्स हैं ये देखिए भाई, उसी मिट्टी है अभी इसमें। इसमें रोटावेटर चला था क्या? देखिए गाइस कितनी बढ़िया उगाई है, दिखा दें छोटी छोटी जो दिख रही है उड़द मूंग, देखिए कितना बढ़िया है। तो भाई ये देखो गेहूँ हमारे गिर गए हैं, इनको जो काटने में काफ़ी मेहनत लगती बताया जा रहा है, क्योंकि तो ये कटते रहे इनको उखाड़ना पड़ता है, आधा समय तो यही पूरा खा जाते हैं। तो भाई देख सकते हो हमारे जो लाला हैं इनके हाथ हसिया जैसे हो चुके हैं है ना, हाथों से पूरा गेहूँ उखाड़ के रखे दे रहे हैं, तोड़ के रखे दे रहे हैं, पूरे हसिया जैसे हसिया फेल हैं हाथों के सामने। तो गाइस हमने पहली बार एक्सपीरियंस लिया गेहूँ काटने का, बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार हम भी किसान वाला काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं है ना। देखिए हम तो वैसे बहुत गंदा करे पा रहे हैं, लाला हमारे जो हैं चाचा जी वो अच्छे से काटते हैं, हम तो सिर्फ अनाड़ी की तरह काट रहे हैं जैसा कि हमसे कट पा रहा है।